الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لين يضاحي فلم يضاحي فلا ينظر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने 11 चीज़ें बयान करूंगा कुर्बानी से मुताल्लिक। सबसे पहली चीज़ अशरे ज़िलहिज्जा की फजीलत तफसील के साथ गुज़श्ता जुमा मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दी। ये अशरे ज़िलहिज्जा मुफ्ती तकी साहब उस्मानी यहां तक इसके बारे में फरमाते हैं कि रमजान से बढ़कर अगर किसी दिनों की फजीलत है तो अशरे ज़िलहिज्जा। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है? रमजान के दिनों से बढ़कर अगर किसी दिनों की फजीलत है तो अशरे ज़िलहिज्जा की। रमजान में तो लैलतुल कद्र एक मरतबा आती है, अशरे ज़िलहिज्जा में लैलतुल कद्र 9 मरतबा आती है। अशरे ज़िलहिज्जा की हर रात लैलतुल कद्र के बराबर है और अशरे ज़िलहिज्जा का हर दिन का रोजा एक साल के रोजे के बराबर है। एक रोजा अगर कोई आदमी अशरे ज़िलहिज्जा में रखेगा, एक साल रोजा रखने का सवाब, और एक रात अगर जागेगा तो लैलतुल कद्र में जागने का सवाब। आज उम्मत के जहनों से अशरे ज़िलहिज्जा की फजीलत और अहमियत निकल चुकी है। रमजान का बड़ा एहतमाम कर लेते हैं, लेकिन रमजान के अलावा अशरे ज़िलहिज्जा का एहतराम उम्मत आज बिल्कुल करती नहीं और पचा भी नहीं। कौन सी तारीख आई, कौन सा दिन आया, कैसे तेजी के साथ अशरे ज़िलहिज्जा निकल गए। कितने बड़े अफसोस की बात है, एक रोजा रखेंगे तो एक साल रोजा रखने का सवाब। अरफा के रोजे के बारे में आता है, 9वीं तारीख का रोजा जिसको अरफा कहते हैं, अब हमारा आने वाला बुध जो अरफा का रोजा है, उस रोजे की फजीलत ये है एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, आइंदा एक साल के गुनाह माफ होते हैं, पिछले एक साल के गुनाह माफ होते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अशरे ज़िलहिज्जा की मुझे और आपको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज का दिन अशरे ज़िलहिज्जा का जुमा का दिन है, ये दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसके लिए जो करना है, इबादत करना है, अमाल करना है, तिलावत करना है, जिक्र करना है, इस अशरे के अंदर कर लें। इसकी कदर और इसकी अहमियत और इसकी फजीलत को अपने दिल में पैदा करें। इसके ऊपर तफसीली बात गुज़श्ते जुमा हो चुकी है। दूसरी बात, कुर्बानी किस पर वाजिब है, इसके बारे में भी मैंने गुज़श्ते जुमा बतलाया। कुर्बानी हर उस मालदार पर वाजिब है जिस मालदार के पास अपने खाने पीने के अलावा, अपने जरूरियात असलिया के अलावा, जिस मालदार के पास, जिस शख्स के पास 38,000 आज के जमाने में जिसकी कीमत होती है 52 तोले चांदी की, उतनी मिकदार की चीजें हो या उतनी मिकदार के पैसे हो या उतनी मिकदार का जेवर हो। फालतू चीजें घरों में जो रखी हुई होती हैं, बात चीजें घरों में ऐसी होती हैं जो सिर्फ शो की होती हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं होती, वो सारी की उस चीजों की कीमत अगर लगाने के बाद 38,000 हो रही है। बहुत सारी चीजें लाके शोकेस में सजा के रखते हैं, वो आदमी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ उसको घर में एक लूप। बहुत सारी चीजें, हाँ, वो इस्तेमाल की चीजें नहीं होती, वो चीजों की कीमत भी अगर 38,000 हो रही है और उसके अलावा भी गैर जरूरी चीजें हैं, रहने के मकान के अलावा मकान है, कोई फ्लैट लिया हुआ है, दुकान लिया हुआ है, कोई फिक्स डिपॉजिट है या कोई और स्कीमों के अंदर पैसा लगाया हुआ है, उस शख्स के पास अगर 38,000 रुपए की मालियत है तो उस पर जकात फर्ज है।
औरत के पास सोना चांदी मिलाकर 38,000 का जेवर है, उस पर ज़कात वाजिब है। अब जिस पर ज़कात वाजिब है वो आदमी ज़कात देगा, नहीं कि मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है मैं अपने घर के बड़े को नहीं, मेरे अब्बा ही, अब्बा के नाम से कुर्बानी करता हूँ, हे अब्बा के होते हुए मैं कैसे कुर्बानी करूँ। अब्बा के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बेटा कमा रहा है बेटे पे कुर्बानी वाजिब है। बाप के नाम की कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाप के नाम पे करेंगे नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, बेटा कमाने वाला है अपने नाम की कुर्बानी करे। इसमें इज्जत का, एहतराम का, आगे बढ़ाने का कोई मामला नहीं। घर में दादा ही, और घर वाले बोलते हैं दादा को छोड़ को तेरे नाम की कुर्बानी दे रहे क्या? अरे दादा ही निठारे, दादा के पास पैसा है तो उनके नाम की कुर्बानी करो, दादा के पास पैसा नहीं है तो दादा के नाम पे कुर्बानी करने के बजाय पोतर अपने नाम पे कुर्बानी करे। बीवी के नाम पे कुर्बानी वाजिब है तो बीवी के नाम से करो, अपने नाम पे कुर्बानी वाजिब है तो अपने नाम से करो। बाद दिलदार लोग ऐसे होते हैं अपनी कुर्बानी वाजिब है हुजूर के नाम पे करते हैं, तो अल्लाह के रसूल के नाम पे मेरा एक हिस्सा। अरे इतना दयालु बना कि अपने आप को गुनहगार करके हुजूर के नाम पे कुर्बानी कर रहा है। क्या अल्लाह के रसूल ने कभी अपने उम्मती से कहा कि तुम अपने आप को गुनहगार करो और मेरे नाम से कुर्बानी करो? नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे तुम्हारी कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है, हाँ अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है अपने नाम की कुर्बानी करके एक्स्ट्रा हिस्सा मेरे नाम से दे रहे हो तो ये मेरा उम्मती होने का हक तुम अदा कर रहे हो। पूरा आपका जानवर लिया था अपने नाम से, एक बीवी के नाम से, एक बेटे के नाम से, एक बेटी के नाम से, एक हिस्सा हुजूर के नाम से दिया, हाँ ये तो बल्कि सखावत का मामला, एक ही हिस्सा है सबको घसीट रहा है उसमें, कभी मरहूम दादा को घसीट रहा है, कभी मरहूम दादी को घसीट रहा है, कभी नाना को घसीट रहा है, कभी नानी को घसीट रहा है, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अंदर ला रहा है और अपने नाम से कुर्बानी नहीं कर रहा। जिस पर वाजिब है वही कुर्बानी देगा ना, फजर की नमाज मुझ पर फर्ज है तो मुझे ही अदा करना पड़ेगा, मेरी बीवी सो गई है और मुझे बीवी से मोहब्बत है तो मैं 2 रकात फजर की नमाज मेरी घरवाली के नाम से अदा करता हूँ, बोलेगा तो अदा होगी? घरवाली को अपनी नमाज पढ़ना पड़ेगा, मर्द को अपनी नमाज पढ़ना पड़ेगा, दादा को अपनी नमाज पढ़ना पड़ेगा, दादी को अपनी नमाज पढ़ना पड़ेगा, और घर में जो भी लोग हैं जिस तरीके से नमाज एक एक आदमी पर फर्ज होती है, कुर्बानी पे भी उसी शख्स पर फर्ज है जिस शख्स के पास माल है। बात समझ में आई? दूसरों के नाम से कुर्बानी नहीं करना, अगर तुम्हारे पास ज्यादा हिस्सा है डबल देना चाह रहे हो तो दूसरों के नाम से करने की इजाजत है, अपना छोड़कर दूसरों के नाम से देने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि मैंने बताया हुजूर के नाम से भी मत करो जब तुम अपनी छोड़कर कर रहे हो, हाँ अपनी करके हुजूर की कर रहे हो तो उम्मती होने का हक अदा कर रहे हो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं, इसके बारे में भी मैंने गुज़िश्ता जमा कुछ रोशनी डाली थी, आज मैं तरतीब और बयान कर रहा हूं। कुछ जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज नहीं। सबसे पहले तो वो जानवर जिसकी आंख 1/3 चली गई हो, यानी अंधा है इतना कि 1/3 से ज्यादा अगर आंख चली गई है तो कुर्बानी जायज नहीं, 1/3 से कम चली गई है तो कुर्बानी जायज है। ऐसे कान 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज नहीं, 1/3 से कम कटा हुआ है तो जायज है। मतलब क्या, पूरे कान के 3 हिस्से करना, एक हिस्सा जो आ रहा है उससे ज्यादा कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज नहीं, उससे कम कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज है। जानवर की दुम, दुम अगर जानवर की कटी हुई है, थोड़ी सी कटी हुई है तो जायज, 1/3 से ज्यादा कटी हुई है तो जायज नहीं, 1/3 से कम कटी हुई है तो जायज है। ऐसे लंगड़ा जानवर, 3 पैर तो ठीक है, 4th पैर जमीन पर टेक के चलता है तो कुर्बानी जायज है, और 4th पैर पर सहारा ही नहीं डालता बल्कि 4th पैर की बैलेंसिंग जमीन पर नहीं है, 3 ही पैर से चलता है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। 4th पैर जख्मी है, थोड़ा टेक के चल रहा है लंगड़ के, उसकी उस जानवर की कुर्बानी जायज है। बिल्कुल लागर और कमजोर है, बूदा ही नहीं है, गोश्ती नहीं है, मरियल जानवर है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। दांत कटा हुआ जानवर, इसके दांत अगर ज्यादा कटे हुए हैं, आधे से ज्यादा टूट गए हैं तो जायज है, आधे से कम टूटे हैं, 1 दांत 2 दांत 3 दांत 4 दांत टूटे हुए हैं, बाकी दांत सलामत हैं तो जायज है, लेकिन आधे से ज्यादा दांत टूटे हुए हैं जानवर के तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ऐसे ही सिंह, जिस जानवर की पैदाइश सिंह नहीं है
उसकी कुर्बानी जायज है। जानवर पैदा ही ऐसे हुआ है कि उससे सिंह जो नहीं आए, उसकी कुर्बानी क्या है? जायज है। और जिस जानवर को सिंह आकर टूटी है, अगर वो जड़ से टूटी है तो जायज नहीं, अगर ऊपर ऊपर से टूटी है, आधी टूटी है, पौनी टूटी है, लेकिन जड़ से नहीं टूटी, जड़ बाकी है तो उसकी कुर्बानी जायज। जड़ बाकी है तो कुर्बानी जायज, अगर सिंगा जड़ से कटे हैं तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। ऐसी जो जानवर पैदाइश है जिसके काम नहीं है, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। खारिश वाला जानवर है, खुजली है, खुजली का असर अगर गोश्त पर है, यानी बहुत ज्यादा अंदर तक डीप तक खुजली है तो जायज नहीं, ऊपर ऊपर की खुजली है तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर गोश्त पर भी डॉट डॉट पड़े हुए हैं, सुराख पड़े हैं खुजली के, जबा करने के बाद अगर मालूम पड़ गया तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बात समझ गई? खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज है। खस्सी मालूम है? हाँ, जिस जानवर को खस्सी कराया जाता है, जिसके पेशाब की जगह के बाजू में जो दो खुस्से होते हैं उनको दबा दिया जाता है, खस्सी कर दिया जाता है, उस जानवर की कुर्बानी भी जायज है। उसके गोश्त में ज्यादा लज्जत आती है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना मुस्तहसन भी है। अब ये जिन जानवरों की कुर्बानी करना नहीं करना, अब कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर अच्छा हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? कुर्बानी के जानवर की उम्र के बारे में आता है, जितने जानवरों की कुर्बानी करना जायज है उनकी उम्रें भी अलग अलग तय हैं। ऊंट है तो 5 साल का होना जरूरी है, 5 साल से कम अगर ऊंट का बच्चा है, ऊंटनी का बच्चा, कुर्बानी जायज नहीं। गाय, बैल, भैंस, फाड़ा, ये सारे जो बड़े जानवर हैं, ये 2 साल के होना जरूरी है। 2 साल से 1 दिन भी अगर कम है, बस इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर लोग एहतियात नहीं करते, रेवड़ खरीद लेते हैं और कसई का बच्चा कभी नहीं सच्चा, और झूठ तो इतना बोलता है वो, और सच तो उनके पास होता ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहे मौलाना, ये 3 साल का है, होता कितने साल का? 1.5-2 साल का, 1.5 साल का। अब वो बात पर यकीन करके लाया, अच्छी ज्यादा तहकीक के बाद हाँ उसके पूरे दांत आए हैं कि नहीं आए, वो चेक करे कि 2 साल की उम्र में पूरे दांत आए हुए होते हैं। हमारी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि उस जानवर के पूरे दांत चेक कराए, उसको कहे बेचने वाले को जरा मुंह खुला कर देखो कि दांत पूरे आए कि नहीं आए, तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है जो 2 साल का हो। 2 साल से कम का है तो जायज नहीं है। बकरा, बकरी, बकरी की भी कुर्बानी जायज है, बकरी भी की कुर्बानी जायज है, मेने की भी कुर्बानी जायज है, और बकुर जिसको बोलते हैं उसकी भी कुर्बानी जायज है, लेकिन बकरा बकरी 1 साल के होना जरूरी है। 1 साल से 1 दिन भी अगर कम है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, 1 साल के ऊपर का होना चाहिए। हाँ, भेड़ जो होता है, भेड़ जिसके घने बाल होते हैं, अगर वो 6 महीने का है तब भी अगर देखने में 1 साल के बकरी की तरह दिख रहा है, कुर्बान लोगों के पास जो भेड़े होते हैं और उनको बाल ज्यादा आते, ऊन वाले बकरे होते हैं, भेड़ होते हैं, वो अगर देखने में 6 महीने का 1 साल के बराबर दिख रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज। ये जानवरों की उम्रें हैं, किन जानवरों की कुर्बानी जायज है, किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं, ये मैंने आपको बतलाया। खस्सी जानवर की कुर्बानी जिस तरीके से मैंने बताया, उसकी भी कुर्बानी जायज है। और चौथी बात, पांचवी बात जो है, अकीका। जानवर के अंदर अकीका करते हैं बहुत सारे लोग, अकीका करना है तो अकीके के हिस्से कुर्बानी के हिस्से से कम होनी चाहिए। एक जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7, तो कुर्बानी के कम से कम 4 होनी चाहिए, बाकी 3 हिस्से अकीके के ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगर कोई अकीके की नियत से जानवर में 4 हिस्से दे रहा है और कुर्बानी के 3 हिस्से हैं तो फिर कुर्बानी उस जानवर में नहीं होती। कुर्बानी के हिस्से जानवर ज्यादा हो, अकीके हिस्से क्या हो? कम हो। जो भी दे रहा है हमको हिस्सा, हम उसे पूछे कि कुर्बानी की नियत से दे रहा है कि अकीके की नियत से दे रहा है। हाँ, अकीके में भी वही मसला है, लड़का है तो उसके नाम से 2 हिस्से, लड़की है तो उसके नाम का 1 हिस्सा, लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा। अकीका करना सुन्नत है, कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी करना फजर की नमाज और अकीका करना इशराक की नमाज।
قربانی کرنے کا مسئلہ کا مثال فجر کی نماز کی طرح اور عقیقہ کرنے کا اشراق کی نماز. اشراق کی نماز پڑھے تو بھی چلتا نہیں پڑھے تو بھی چلتا لیکن فجر کی نماز پڑھنا کمپلسری ضروری ہے. بعض لوگ دیالو ہوتے ہیں, ارے اپنی قربانی چھوڑ کر بچوں کے نام کا عقیقہ کرتے ہیں. ارے بچوں کے نام کا عقیقہ کرنا ہے تو پہلے اپنے واجب قربانیوں کو بڑوں کے نام سے ادا کرو, اگر تمہارے پاس دو تین حصے بچ رہے ہیں تو بچوں کا عقیقہ کرو. بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے سال کے 12 مہینے تمہارے پاس ہیں لیکن قربانی کرنے کے لیے 3 دن تمہارے پاس ہیں. قربانی صرف 3 دنوں میں ہوتی ہے, 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ, 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ. 12 تاریخ کے غروب سے پہلے قربانی ہونی چاہیے اور عقیقہ سال کے 12 مہینے 360 دن کر سکتے ہیں. اس لیے عقیقے کی جلد بازی میں قربانی کو مؤخر نہ کرے. چھٹی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مرحوم کے نام سے قربانی دینے کا مسئلہ. اگر کوئی مالدار آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مرحوم کے نام سے قربانی دے رہا ہے حالانکہ اس پر قربانی فرض ہے تو شریعت کہتی ہے وہ قربانی حضور کے نام سے تو ادا نہیں ہوگی, مرحوم کے نام سے ادا نہیں ہوگی, جو آدمی دے رہا ہے اسی کے نام سے ادا ہو جائے گی. نیت کرو یا نہ کرو اسی کے نام سے ادا ہو جائے گی, نیت کرے یا نہ کرے اسی کے نام سے ادا ہوگی. اگر وہ مرحوم کے نام سے دے رہا ہے تب بھی اس کی قربانی مرحوم کے نام سے ادا نہیں ہوگی. اب ساتویں بات, ذبح کرنے کا مسنون طریقہ, قربانی کے جانور کو کیسے ذبح کرنا. قربانی کے جانور کو جب خرید کر لایا جائے اس کی دیکھ روکھی لازم اور ضروری ہے. اسے چارہ ڈالیں, اس کا خیال کریں, اس کو نہلائے, گھر میں جانور باندھے ہو یا کسی اور جگہ باندھے ہو, کبھی کبھی جانوروں کے پاس جائے اور کچھ پیسے دے کر ان کو نہلانے کے لیے کہیں. جب جانور نہاتا ہے تو اس کا بدن وہ کیا ہوتا ہے, اس کی طبیعت اچھی ہوتی ہے تو صحت مند ہوتا ہے. جانور اگر ناک کو نہیں نہلاؤ گے اس کو سکڑنا شروع ہوتا ہے. اس کو نہلانا, اس کی دیکھ روکی کرنا, ہرا گھاس اس کو ڈالنا. اب تو قصائی گلی کے اندر تو اسے سوکھا گھاس, یہ تو ہریالی کا مل رہی نہیں, بارش رکا ہوا ہے تو سوکھا گھاس پر جانور کا گزارا ہو رہا ہے. اس کو کھلانے کی کوشش کرنا. اگر اپنے گھروں میں محفوظ جگہ ہے تو اس محفوظ جگہ پہ باندھ کر اس کی دیکھ روکی کرنا. جانور سے انسیت ہو, بچوں کو پیار ہو جائے, بڑوں کو پیار ہو جائے. جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو بچے بلک رہے ہو, بچے رو رہے ہو, گھر والے رو رہے ہو, اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. بکرا گھر میں لا کے باندھے تھے, سب بچے بھی وہ بکرے سے پیار کر رہے ہیں, بچے نہلا رہے ہیں, بچے جا کے بکرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. قربانی کے دن پہ جب اس کو ذبح کر رہے ہیں تو بچہ رو رہا ہے. اس کے ایک ایک رونے کے آنسو کے قطرے پر اللہ اس قربانی کے درجات کو بلند کر دے. جانور سے ایسی محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ محبت ہی کی قربانی کا نام, محبت ہی کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت ہی کو تو قربان کیا تھا. اللہ تعالیٰ بیٹا ذبح کروانا اللہ کو مقصود نہیں تھا, محبت کی قربانی کروانا اللہ کو مقصود تھا. جانور میں قربانی کے جانور میں جانور سے محبت ہونی چاہیے. جب قربانی کا دن آ جائے تو بعض لوگ بیوقوف اور نادان لوگ جانور کو روزہ رکھاتے ہیں. کیا رکھاتے ہیں؟ روزہ رکھاتے ہیں, یعنی صبح سے شام تک اسے کیا بھی کھلاتے نہیں, پانی بھی نہیں پلاتے, گھاس بھی نہیں کھلاتے. مسنون طریقہ یہ ہے جس دن قربان کرنا ہے اس کو اچھا کھلاؤ, خوب کھلاؤ, پانی پلاؤ, اگر ہو سکے تو اس کو نہلاؤ. پھر قربان گاہ پہ ایسے لے کر جاؤ جہاں مذبح کہتے ہیں اور جو ذبح کرنے کی جگہ ہے کہ دوسرا جانور وہاں پہ ذبح نہ ہو رہا ہو. دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تڑپ تڑپ کے مارنے کے برابر. اور ایک قصائی لوگوں کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہوتی, ادھر ایک پڑائیں, ادھر ایک پڑائیں, ادھر ایک پڑائیں, ادھر ایک پڑائیں, بیچ میں کپڑا بھی نہیں ڈالتے, بیچ میں حفاظت بھی نہیں کرتے. یہ جانور چلا رہا ہے اور وہ جانور دیکھ رہا ہے اور جانوروں کی آنکھوں میں آنسو تک آتے ہیں اور ان کو درد نہیں ہوتا. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے. پڑھانے میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ گرائیں, جانور کے ہاتھ پیر باندھیں, قبلے کی طرف رخ کریں. ذبح کرنے والا ذبح کے طریقے کو جانتا ہو,
शौक का नाम ज़बह करना नहीं है। हर कोई ज़बह करने के लिए जा रहा है, मेरा जानवर मैं ज़बह करूंगा। हाँ बहुत अच्छा है, खुद का जानवर खुद को ज़बह करना बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि ज़बह का तरीका उसको आता हो। ज़बह का तरीका अगर नहीं आता और मेरा जानवर है बल्कि मैं ज़बह करने को जा रहा हूँ, गलत है, जानवर मुर्दार हो जाएगा अगर ज़बह का तरीका मालूम नहीं है। अगर कोई सही ज़बह करने वाला मौजूद है उससे ज़बह करवाए। ज़बह का तरीका क्या है? जानवर को क़िबला रुख लिठाना, फिर लिठाने के बाद जानवर को थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाएं, फिर उसके बाद छुरी को पहले से तेज कर लें। मंड छुरी से ज़बह करना मकरूह है, यहां तक कि नाजायज के करीब है। जानवर को तो तीन ही धार के अंदर ज़बह करना चाहिए, ऐसा 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 घसते बढ़े। अरे वो तुम्हारी आजमाइश की जगह नहीं है। जानवर की ज़बह कर की जाने वाली छुरी को अच्छी तरीके से तेज करें। बाज़ लोग कहते हैं कि छुरी के लिए लकड़ी वगैरह लगा के ज़बह करना कोई जरूरी नहीं है, ये वहम है। छुरी है पकड़ो, फिर उसके बाद दुआ पढ़ो, इन्नी वजहतु वजीह लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू बिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये उसकी कुर्बानी की दुआ है। अगर ये दुआ याद नहीं है तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर तो बोलना कंपलसरी जरूरी है। ये दुआ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोल के जानवर को पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, इस तरीके से तीन ही वार के अंदर जो जानवर ज़बह होगा, और उसकी चार रगों में से तीन रगों का कटना जरूरी है। कितनी रगें होती हैं जानवर की? चार रगें होती हैं, उसमें से तीन रगों का कटना जरूरी है। अगर दो रगें कट गई तो जानवर मुर्दार हो जाएगा, अगर तीन रगें कटी या चारों रगें कटी तो जानवर हलाल हो जाएगा, अगर पूरी गर्दन कट गई तो जानवर मकरूह हो जाएगा। दो रगें कटी क्या हो गया? मुर्दार। तीन या चार कटी हलाल, और पूरी गर्दन कटी मकरूह। पूरी गर्दन भी नहीं काटना है। अब जानवर को ज़बह करने के वक्त उसकी चार रगें कटना जरूरी है, चार में से तीन। कौन सी चार रगें? एक सांस की नाली, एक सांस लेने की जो नाली होती है उसका कटना जरूरी है, नहीं कटेगा तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। दूसरी खुराक की नाली, खाने पीने की नाली, जिससे खाना पीना उसके अंदर सप्लाई होता है, उसका कटना जरूरी है। ये दो रगों का कटना फर्ज है, इनमें से एक रग भी अगर नहीं कटेगी तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। अब जो दो रगें हैं उनमें से एक कटी तो चलता है, वो दो रगें सांस की नाली के बाजू में राइट साइड में एक रग होती है जिसको शह रग कहते हैं, सांस की नाली के लेफ्ट साइड में एक रग होती है जिसको शह रग कहते हैं। ये दोनों रगें सांस की नाली के आजू बाजू में होती हैं, उनमें से एक कट जाए तो जानवर हलाल, दो कट जाए तो बहुत अच्छा, और दोनों ना कटे जानवर हराम। जरा काटते हैं फिर कसी लोग क्या करते हैं देखते हैं, चाकू लेकर नीचे मारते हैं, ऐसा जैसे मारे गोया एक रग कटी नहीं थी, कसाई ने उसको काट दी। अगर कसाई ने उस वक्त बिस्मिल्लाह बोला है तो ठीक है, अगर कसाई ने उस वक्त बिस्मिल्लाह नहीं बोला तो मुर्दार है जानवर। इन्हें जरा ज़बह करके छोड़ा तो उन्हें बोलते हैं सरको मौलाना, सरको सरको सरको, उसमें हुआ हुआ करके उन्हें देखते हैं नीचे चाकू मार के काट देता है। अब नीचे चाकू मार के काटा तो खून एकदम स्पीड के साथ निकलना शुरू होता है। स्पीड से जब खून निकलना शुरू होता है तो समझ लो कि चारों रगों में रगें कट गई। अब उस कसाई को भी पहले कहो बाबा मेरे हाथ से अगर कुछ गलती हो जाए, तू भी चाकू मार रहा है तो बिस्मिल्लाह बोले बगैर मत मारना। बात समझ में आ रही? ये है जानवर को ज़बह करने का तरीका। ज़बह करने के बाद कसाई लोग फौरन उसके पैर छिलना शुरू करते हैं, चमड़ा छिलना शुरू करते हैं। जानवर जब तक ठंडा ना हो उस वक्त तक उसके चमड़ा ना उतारें। उनको जल्दी होती है, ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट लगते हैं, और 15-20 मिनट वो इंतजार नहीं करते। उनको कहो कि आप ज़बह करें ना, जाको दूसरा पड़ा के आ जाओ, तब तक दूसरा पड़ा के आ जाओ, फिर वो जानवर ठंडा होने के, वो जानवर को ज़बह करने के बाद किसको छिला छिली करो। लेकिन वो फौरन छिलना शुरू करते हैं। आप लोग उनको मना करो कि भाई
आपका हम उजरत दे रहे हैं, आपका काम है कि हमारे जानवर को ज़बह होने के बाद, ठंडा होने के बाद आप उसको छीलना शुरू करें। ये ज़बह करने का मसनून तरीका। अब जानवर को ज़बह करने के बाद जानवर में कितनी चीजें हैं जिसका खाना हराम है, कितनी चीजें जानवर के अंदर है जिसका खाना हराम है? 7 चीजें ऐसी हैं जिनका खाना हराम है। कितनी चीजें? 7 चीजें। एक 8वीं चीज भी है जिसको नहीं खाया जाता, लेकिन 7 चीजें तो हराम है। नंबर 1, बहने वाला खून। खून इस्तेमाल के काबिल नहीं है, जो खून बहता है नीचे वो खून जो बहता है वो हराम है, और वो खून जो अंदर रुक जाता है ज़बह के बाद गोश्त को लगा हुआ होता है वो हराम नहीं है। अगर कोई बगैर धोए गोश्त भी खा ले भूनकर तो जायज है, लेकिन जो बह के खून निकल जाए वो हराम है। जो गोश्त को लगा हुआ खून होता है ज़बह करने के बाद वो खून हलाल है, वो हराम नहीं है। जानवर को गोश्त को धोकर ही पकाना जरूरी नहीं है, बगैर धो भी अगर कोई पकाकर खा ले तो जायज है। नंबर 2, पेशाब की जगह जहां से वो पेशाब करता है वो जगह खाना हराम है और वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। नंबर 3, पाखाने की जगह जहां से गोबर निकालता है वो जगह खाना भी हराम है। उस जगह बाज लोग बड़े शौक से खाते हैं, पेशाब की जगह और पाखाने की जगह को मांग कर लेके आते हैं कसाई के पास से, और बहुत टेस्टी होता है करके बोलते हैं वो चीज हराम है। वो चीज क्या है? हराम है। 4वीं चीज मसाना। मसाना मालूम? मसाना नहीं, 4वीं चीज खुस्से। खुस्से कहते हैं पेशाब की जगह के आजू बाजू में जो सुपारी की तरह गोल होते हैं, है ना, उनको खुस्से बोलते हैं, वो भी खाना हराम है। वो भी खाना क्या है? हराम है। 5वीं चीज हुदूद। हुदूद कहते हैं सख्त आंत को, अंतड़ी होती है क्या, वो नरम नहीं होती, सख्त होती है, सख्त आंत होती है उसको हुदूद कहते हैं, और वो ऐसी लपेटी जाती है, और वो हुदूद का खाना हराम, जायज नहीं है। और 6वीं चीज पेशाब की थैली। एक है पेशाब की जगह और एक है पेशाब के आजू बाजू के खुस्से, फिर एक पेशाब की थैली होती है, उस थैली का खाना भी हराम है। और 7वीं चीज है पित्ता। 7वीं चीज क्या है? पित्ता। वो पित्ता खाना भी हराम है। ये 7 चीजें जानवर की, हलाल जानवर की हराम है, हलाल जानवर की हराम है। हराम जानवर तो पूरा ही हराम है, और हलाल जानवर की 7 चीजें हराम है। इनके अलावा एक और चीज है जो हराम है, वो चीज हराम मग्ज जिसको बोलते हैं, हराम मग्ज। वो हराम मग्ज का माना ये पीछे के हिस्से में हड्डी जो होती है, पीठ के में जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर गर्दन से लेकर, गर्दन से लेकर हड्डी के अंदर गर्दन से लेकर कमर तक एक क्या होती है, एक हड्डी, एक रीढ़ की हड्डी होती है, एक गर्दन से लेकर कमर तक रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, वो हड्डी को हराम मग्ज बोलते हैं। उसका भी खाना हराम है, उसका भी खाना जायज नहीं है। ये हलाल जानवर की इतनी चीजें हराम है जो मैंने अभी आप हजरात के सामने बताया। इतनी चीजों से हमें परहेज करनी चाहिए। अब रहा जानवर ज़बह हुआ, गोश्त की तकसीम कैसी होनी चाहिए? गोश्त की तकसीम वजन के साथ हो। एक जानवर में अगर कई हिस्से हैं, अंदाधुंध न हो, अंदाजे के साथ न हो। ये जरूरी नहीं कि कलीजे के भी 7 हिस्से करना, गुर्दे के भी 7 हिस्से करना, भेजे के भी 7 हिस्से करना, ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। भेजा एक को दे दो लेकिन उसके वजन में बराबर आए। हाँ, 140 किलो का जानवर है तो 20 किलो 20 किलो 20 किलो 20 किलो बराबर आए। 140 किलो जानवर है, आधा किलो गोश्त उसमें भी थोड़ा 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 करके बूटियां डालें, वजन में बराबर हो। वजन आगे पीछे हुआ तो ये सूद है, ये सूद है। अंदाज़ हिस्से ना हो बल्कि वजन के साथ हो। हाँ, भेजे में कलीजे में इसमें 7 हिस्से करना जरूरी नहीं, उसके अंदर अगर कमी, क्योंकि भेजे में 7 हिस्से करेंगे तो किसको काम आएगा वो, किसकी भी हिस्से में डाल दो लेकिन वजन में बराबर। अब इस तरीके से हमने गोश्त तो हासिल कर लिया, अब उसको घर लेकर आए। अब घर लेकर आने के बाद तकसीम कैसे करना? बाटो ने तो पूरा खाओ तुम्हारे इख्तियार में है, बाटो ने तो पूरा खाओ तुम्हारे इख्तियार में, अल्लाह देखना चाहते हैं कि तुम्हें कितने
खौदाड़े हैं। तुम्हें कितने खौदाड़े हैं और क्या करते हैं, अब घरवाली के हवाले करो। अब घरवाली गोश्त क्या करती है, अच्छे अच्छे टिक्के लड्डू बनाने को, चुनचुनिया बनाने को चर्बी वाला गोश्त पहले अलग करती है, ये चुनचुनिया को आता है काम, और लाल लाल गोश्त लड्डुआ बनाने को, कीमा बनाने को अलग करती है। वो सब अच्छा अच्छा गोश्त अलग करने के बाद बच्चे से गोश्त को क्या करती है, ये लाया बांटने गए। ये गलत तरीका है, ये हिर्स है, ये लालच है। आप साल भर पैसे देकर गोश्त खरीद के खा सकते हैं, लेकिन बाज लोग वो हैं जिनको कभी गोश्त नहीं मिलता। ये मौका ऐसा होता है कि गरीब के गरीब घर पे गोश्त पहुंचाना। आप देखो मत कि किधर नरम गोश्त है, किधर चर्बी वाला गोश्त है, पूरे गोश्त को पहला मिलाओ। पहले क्या करो, अच्छी तरीके से मिलाओ। बेहतर तरीका है उसके तीन हिस्से करो। कितने हिस्से करो, तीन हिस्से करो। एक हिस्सा गरीबों के लिए निकालो, उसके अंदर अच्छा गोश्त चला गया तो भी कोई हर्ज नहीं, हड्डियां इधर है तो भी पहले उसको अच्छा मिला लो। या तो हड्डियां को अलग करो, गोश्त अलग करो, हड्डियों के तीन हिस्से अलग करो, गोश्त के तीन हिस्से अलग करो, ताकि सब में बराबर बराबर आ जाए। फिर एक हिस्सा अपने लिए रख के उसके चुनचुनिया बना ले, क्या भी बना ले, एक हिस्सा गरीबों में बांटे और एक हिस्सा तुम्हारे रिश्तेदारों को बांटे। अब रिश्तेदारों के लिए स्टार्ट गोश्त लेकर निकले हो, नहीं कोल्हापुर को जा रहा हूं, इधर निकला हुबली को जा रहा हूं, बस में गाड़ी में गोश्त लेकर निकल रहा हूं, कहना नहीं कुर्बानी गोश्त बांटने जा रहा हूं, कुर्बानी गोश्त बांटने जा रहा हूं। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रिश्तेदार गरीब हैं तो गोश्त लेकर जा, तेरे रिश्तेदारों के घर में कुर्बानी हो चुकी है तो गोश्त देने की क्या जरूरत, वो भी गोश्त गरीब में बांट देना। कोल्हापुर के रिश्तेदार कुर्बानी करे सोए, धारवाड़ के रिश्तेदार कुर्बानी करे सोए, उनको गोश्त देने धारवाड़ तक जा रहा, उन्हों कुर्बानी करे से उन्हों देते ही उन्हों दूसरी थैली देते नमना, नहीं मैं भी आने वाले चलता देने के वास्ते, हमारा गोश्त में लेके जाओ। क्या फायदा हुआ, एक्सचेंज कर को लाए, उन्हों पाड़ा काटे थे तुम्हें भैंस काटे थे, चेंज कर को लाए। अब देखो उन्हों कुर्बानी करे ही, मालदार है, साहब निस्बत है तो छोड़ दो, गरीब है अपने रिश्तेदार तो उन रिश्तेदारों को मुनासिब मौका है पहुंचाने का तो पहुंचाओ, नहीं तो उनका गोश्त फ्रिज वगैरह में रखो या उनका गोश्त गरम करके रखो, किसी मौके पर उनको गोश्त पहुंचाओ। जरूरी नहीं कि इन कुर्बानी के दिनों में गाड़ियां ले लेकर जा रही, खून पड़ने लगे, ढंग की थैली में नहीं डाल रहे, रस्ते से खून पड़ रहा। हमारी सर अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये खून क्या करते देखेंगे। सरकार बदली है, कानून नहीं बदला, सरकार बदली है, कानून नहीं बदला। बेहतियाती करके सरकार को भी बदनाम नहीं करना है। चलो अरे कांग्रेस हुकूमत बोले तो क्या मुसलमानों के बाप दादा की हुकूमत है, हाँ क्या उसके अंदर शिद्दत वाले लोग नहीं है। आप ये जहन से निकालो, जानवरों को व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, जानवरों को बिंदास ला रहे हैं और जानवरों की रैलियां निकाल रहे हैं और जानवरों को खुलेआम जमा कर रहे हैं, ये उसूल और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। कुर्बानी करना है अपने स्टेट के और अपने मुल्क के कानून की रियायत करते हुए करना है। इसके लिए बेंगलोर से जमीयत उलमा की तरफ से, अमारत शरिया की तरफ से और शरी और बड़े बड़े उलमाओं ने कहा कि जो जानवर काटने की इजाजत है वही जानवर काटो, काटने में एहतियात करो, जानवरों की नुमाइश ना करो, जानवरों को लेकर मत घूमो, जानवरों को व्हाट्सएप पे मत डालो, बकरा हो या कोई जानवर व्हाट्सएप पे मत डालो। शिद्दत पसंद तंजीमें इस वक्त उठ के खड़ी होती हैं, करता एक आदमी गुनाह है, गलती है और दूसरों को भुगतना पड़ता है। इसके लिए गोश्त बांटने के लिए भी जाना जरूरी नहीं है, मुनासिब है अपनी गाड़ी में डिक्की में रखकर ले जा सकते हैं तो जाके बांट के आओ, नहीं है तो उसको छोड़ दो। गरीब इलाकों में जाओ, झोपड़पट्टी के इलाकों में जाओ, वहां गोश्त नहीं मिलता, उनको बांटो। मेरे घर में कुर्बानी हुई तो मैं पूरे गली में बांटता हूं। वो बच्चे बेचारे अच्छे कपड़े पहन को तैयार हो जाते हैं, एक के हाथ में परात, दूसरे के हाथ में सासर, उन्हें जाने का जरा रखने का देने का, हमारी कुर्बानी हमारी कुर्बानी हमारी कर, एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी कुर्बानी का। पूरी गली में कुर्बानी का गोश्त बांटने की इतना जरूरत क्या है, पूरे गली में मोहल्ले में जो गरीब हैं, जो साहब इस्तेतात नहीं है, हाँ जो साहब इस्तेतात होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं किया है, उसके घर में गोश्त बिल्कुल मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ, उस पर कुर्बानी वाजिब है वो नहीं कर रहा, गरीब आदमी है और कुर्बानी उस पर फर्ज नहीं है। उसे बजाय एक आधा पाव किलो गोश्त देने के, किलो दे दो ना ज्यादा,
हाँ तुम एक 10 किलो गोश्त बांटना चाह रहे हैं, 5 किलो गोश्त बांटना चाह रहे हैं, 5 गरीबों को देखो खत्म करो, 50 को देने की जरूरत नहीं। हाँ 5 पैकेटा बनाओ ना आधा आधा किलो के, एक किलो के, देखो खत्म करो। यत्ता 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 कर उसके 40 पैकेटा बनाने से 5 पैकेटा बांटने वालों को भी टेंशन नहीं और हजार को गोश्त पहुंच गया, सही आदमी को गोश्त पहुंच गया। ये काम हमें करना है। इसके अलावा आखिरी बातें जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, गोश्त की तकसीम के बाद ज्यादा दिन तक गोश्त खा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि उसको खत्म करके दूसरों को वो क्या करे, गरीबों को खत्म करके, गरीबों को बांट के खत्म कर दें। ज्यादा दिन तक गोश्त रखना शरीयत में जायज तो है, लेकिन आपके सवाबदीद पर मौकूफ है। यह है कुर्बानी के मोटे मोटे मसाइल, मैंने आप हजरात के सामने सुनाए। अब इस अशरे के अंदर ईद की नमाज से पहले आपको तकबीरात तशरीक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तकबीरात तशरीक पढ़ना है। ये तकबीरात तशरीक है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ना बुलंद आवाज के साथ मर्दों के लिए वाजिब है। हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ना आहिस्ता आवाज के साथ औरतों पर वाजिब है। मर्द बुलंद आवाज से पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। मर्द इज्तमाही तौर पर पढ़ना जरूरी नहीं, अल्लाह अकबर और बीच में घेरा डाल रहे हैं इसे, उसका एराब इधर अल्लाह के नाम को खींच रहे हैं, अल्लाह अकबर क्या अल्लाह है, अल्लाह का माना क्या अल्लाह है, क्वेश्चन मार्क है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाह इल्हम, ये पढ़ने का तरीका। अल्लाह अकबर वकबर रा कितनी खींच रहा, अल्लाह के नाम को कितना खींच रहा, ये गलत तरीका है, इसके माना बदल जाता है। ये तकबीरात तशरीक वाजिब है। कब से कब तक पढ़ना है? 9वीं तारीख की फजर से शुरू करना है, 13वीं तारीख की असर को खत्म करना है, यानी आने वाला बुध, आने वाला बुध आज जुमा है ना, अब जो बुध आ रहा है, बुध की फजर की नमाज से शुरू करना है। अब ये आने वाला इतवार के 8 दिन से जो दूसरा इतवार आएगा, जब बुध के बाद का जो इतवार आएगा उस इतवार की असर तक पढ़ना है। कितने दिन पढ़ना है? 5 दिन। कितनी नमाजों में पढ़ना है? 43। कितनी नमाजों में पढ़ना है? कितनी नमाजों में, अरे बोलो ना, 43। एक दिन में कितनी नमाजें होती हैं? 5 नमाजें होती हैं। 5 दिन पढ़े तो कितने हुए? 23। 23 नमाजों में पढ़ना है ना। 9वीं तारीख को फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कितने दिन हुआ? 5 है ना। 9वीं तारीख को, 10वीं तारीख को 5, 20, 10 हुए। 11वीं तारीख को 5, कितने हुए? 15। 12वीं तारीख को 5, 5 नमाजों में तो कितने हुए? 20। 13वीं तारीख को 3 नमाजों में पढ़ना है, फजर, जोहर, असर। असर को खत्म करना है तो 23 नमाजों में पढ़ना है, 23 नमाजों में पढ़ना है। ये तकबीरात तशरीक पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ना गुनेगार। अगर किसी ने भूल गया तो गुना हो गया, अब उसकी कोई कजा नहीं है, गुना हो गया, उसका कफारा तौबा, तौबा करके माफ करा ले। औरतों को भी याद दिलाए तकबीरात तशरीक पढ़ने के बारे में, ठीक है। अरफा का रोजा रखे, अरफा का रोजा यानी बुध का रोजा रखे, बेहतर है मंगल का भी रखे, क्योंकि मंगल वहां अरफा है और बुध यहां है, तो दोनों रोजे रखें और बेहतर है। और ये पूरे अशरे में जितने चाहे रोजे रख सकते हैं। ये तरीका है हमारे तकबीरात तशरीक को भी पढ़ना, हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना, और मर्दों को भी पढ़ना, औरतों को भी पढ़ना, और मुकीम भी पढ़ना, मुसाफिर भी पढ़ना। इन दिनों में अगर कोई सफर कर रहा है तो सफर की कसर नमाज पढ़ रहा है तब भी तकबीरात तशरीक पढ़ेगा। हाजी भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, हाजी हज करने वाले भी पढ़ेंगे, आप भी करेंगे। जिनके खानदान से लोग हज को गए हैं और उनकी कुर्बानी जो वहां पर दे रहे हैं वो कुर्बानी हज की कुर्बानी है, और यहां पर भी उनकी कुर्बानी होना चाहिए जो उनकी माल की कुर्बानी।
जो कुर्बानी उन पर वाजिब है वो तो यहां देना है इंडिया में, और वो जो कुर्बानी हज की वजह से उन पर वहां वाजिब हुई है हज के तमत्तु की वजह से वो तो वहां देंगे। जो लोग हज को गए हैं तो हम क्या समझते हैं वहां दे रही कुर्बानी कर गया उनके नाम की कुर्बानी नहीं ले, गलत है, उनके नाम से कुर्बानी यहां भी देना पड़ेगा। ये मोटे मोटे मसाइल हैं हज के उनवान पर। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और कल नमाज इस्तिस्का है उसके मुतालिक मैं सलाम फिरने के बाद आपको दो चार मिनट में बताऊंगा सुन्नतें पढ़ना।